हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू बेस्ट प्राइस रियल्टी। दिस इज सोनिया सोहल, योर टुडेज होस्ट। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक प्रीमियम लोकेशन पे रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्लॉट्स की ऑप्शन, तो जो कि सिचुएटेड रहेगा सेक्टर 114 मोहाली में, जो कि गमाडा अप्रूव्ड, रेरा अप्रूव्ड एंड रेडी टू रजिस्टर प्रोजेक्ट है। और अगर मैं इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूँ तो इस वक्त मैं खड़ी हूँ खरल लांड्रा हाईवे पे। तो खरल लांड्रा हाईवे पे, हाईवे से सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर के डिस्टेंस पे हमारा आज का प्रोजेक्ट रहने वाला है, जिसके साथ में ही बिल्कुल राय फार्म रहेगा एंड राय फार्म्स के बिल्कुल ऑपोजिट स्वराज फैक्ट्री रहेगी। तो इतनी बढ़िया कनेक्टिविटी और अच्छी लोकेशन पे आपको मैं आज लेके चलने वाली हूँ। तो चलिए अब हम डायरेक्ट साइट पे चलते हैं। सो अब हम आ चुके हैं हमारी एक्चुअल साइट पे, जहाँ से नेशनल हाईवे सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर्स की दूरी पे रहेगा। और अगर मैं मेजर हॉटस्पॉट की बात करूँ तो सिर्फ 5-15 मिनट्स की ड्राइव पे यहाँ से वीआर पंजाब मॉल, सीजीसी लांड्रा, फोर्टिस हॉस्पिटल, सुहाना हॉस्पिटल, आईएसबीटी मोहाली एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे हॉटस्पॉट्स रहेंगे। 25.5 एकड़ की मेगा टाउनशिप है, जो कि आपको गेटेड मिल रही है। सो पूरी सोसाइटी गेटेड रहेगी, यानी कि गेट पे आपको सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी कैमरा, बूम बैरियर्स अवेलेबल मिलेंगे। सेफ्टी सिक्योरिटी यानी कि आपकी प्रॉपर यहाँ पे रहेगी। और जैसा कि ये कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे जो है वो कमर्शियल प्लॉट्स के ऑप्शन भी मिल जाएंगे और रेजिडेंशियल भी। और एक बात मैं और बता दूँ, ये रेरा अप्रूव्ड, गमाडा अप्रूव्ड, रेडी टू रजिस्टर, रेडी फॉर पोजेशन प्रोजेक्ट है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आके यहाँ पे रजिस्टर करवाना है। और अगर मैं बताऊँ तो आपकी जो कमर्शियल है वो फ्रंट में रहेगा। इस साइड हमारे पास कमर्शियल प्लॉट्स रहेंगे जो कि 15x60, यानी कि उनके जो फ्रंट है वो 15 फीट रहेगी और उसकी लेंथ 60 फीट के साथ रहेगी। तो फ्रंट में कमर्शियल होने के कारण आपकी जितनी भी डेली बेसिक की नीड्स हैं वो आपकी वॉकिंग डिस्टेंस पे विद इन द सोसाइटी कंप्लीट हो जाएगी, आपको बाहर जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो भी आप यहाँ पे प्लॉट्स में, रेजिडेंशियल प्लॉट्स में या फिर कमर्शियल प्लॉट में, शोरूम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कमर्शियल के बिल्कुल साथ ही हमारे रेजिडेंशियल प्लॉट्स आ जाते हैं। इस साइड आपके एसयूज एंड शोरूम्स आ गए, जिसके बारे में हमने अभी बात करी थी। और बिल्कुल इसके साथ इस साइड आ जाते हैं रेजिडेंशियल प्लॉट्स, जिनमें काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे, आप इस तरफ देख रहे होंगे, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट भी कर दी है और कुछ लोगों की तो घर ऑलरेडी यहाँ पे बन भी चुके हैं। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं प्रोग्रेस कितनी जल्दी हो रही है। और अगर मैं रेजिडेंशियल प्लॉट्स के बारे में बताऊँ तो हमारे पास जो साइज़ है, इन्वेंट्री है, वो कुछ इस तरह से अवेलेबल है। 100 गज से लेकर 150 गज तक के प्लॉट, 100 गज, 125 गज, 138 स्क्वायर यार्ड एंड 150 स्क्वायर यार्ड के हमारे पास प्लॉट अवेलेबल हैं। इन केस आप इन बिटवीन इनके किसी भी साइज़ में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास इस वक्त जो इन्वेंट्री है वो बहुत ही लिमिटेड यहाँ पे बची है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो बहुत सारे जो प्लॉट हैं वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं, इवन घर भी बन चुके हैं यहाँ पे। तो अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ खाली प्लॉट आपको दिख रहे होंगे। So, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल नेशनल हाईवे के साथ कनेक्टेड है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो बिल्कुल हमारे जो सामने व्हीकल्स नजर आ रहे होंगे वहां पे बिल्कुल नेशनल हाईवे है। तो नेशनल हाईवे से कनेक्टेड हमारा आज का प्रोजेक्ट है। अगर हम यहाँ से देखें तो 100 मीटर्स की दूरी पर हमारे प्रोजेक्ट आ जाता है, जहाँ पे फ्रंट पे कमर्शियल रहेगा, कमर्शियल के बिल्कुल साथ में ही जो है वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स आ जाते हैं। प्लॉट्स की जो है वो कंस्ट्रक्शन काफ़ी सारे प्लॉट्स पे स्टार्ट हो चुकी है, कुछ प्लॉट्स की इन्वेंट्री हमारे पास है और कुछ लोग जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे अपने घर बना चुके हैं, कुछ मूव भी हो चुके हैं। तो इसी के साथ 25.5 एकर्स की टाउनशिप में अगर हम लश ग्रीन एरिया की बात करें तो आपको जो है वो 4 पार्क भी दिए जा रहे हैं विद इन द सोसाइटी ही, जिसमें अगर हम अमेनिटीज़ की बात करें तो आपके बच्चों के लिए डेडिकेटेड एंड सेफ प्ले एरिया रहेगा, आपके लिए जॉगिंग ट्रैक्स रहेंगे, सेपरेट सिटआउट्स रहेंगे एल्डर्स के लिए, और आप वहाँ पे आराम से बैठकर जो है वो अपनी पीसफुल जो है वो बातें कर सकते हैं। तो आपकी जो है वो ग्रीन एरिया की रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पर पूरी कर दी गई है, क्योंकि ग्रीन एरिया इज़ मस्ट इन एवरी प्रोजेक्ट। हम जहाँ भी जाते हैं हम सबसे पहले ये ज़रूर देखते हैं कि हमें आसपास जो ग्रीनरी मेंटेन मिल रही है या नहीं। तो गमाडा अप्रूव्ड होने के साथ साथ, रेरा अप्रूव्ड होने के साथ साथ यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज एंड अमेनिटीज़ के साथ ओपन लश ग्रीन एरिया भी बहुत सारा दिया जा रहा है। और अगर इसी के साथ में लोन फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो 70% यहाँ पे लोन भी अप्रूवल है।
तो अगर आप लोन चाहते हैं तो आपको कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल दोनों पे जो है वो 70% लोन भी अप्रूव मिलेगा। अगर आपको इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड और डिटेल चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे हमारे नंबर चल रहे होंगे। एंड इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि किसी और प्रोजेक्ट की भी हम डिटेल्ड वीडियो आपको चाहिए तो आप उसके लिए भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अपने रिव्यूज़ देना बिल्कुल भी भूलिएगा मत। कीप वॉचिंग बेस्ट प्राइस रियल्टी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।